please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है, होशियार रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आज एक हादसा दिल्ली में जेएनयू के छात्र नेता रहे उमर खालिद के साथ होते होते रह गया। एक तरफ आजादी के जश्न में उसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद होने के पुलिस कसीदे पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ उसके इस सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाकर एक बड़ा हादसा होने ही वाला था। फिलहाल उमर खालिद ठीक हैं और पुलिस सांप के गुजर जाने के बाद लकीर पर डंडे पीट रही है। दिल्ली में दिन दहाड़े चली गोली, उमर खालिद को निशाना बनाने की साजिश। मौकाए वारदात से मिला पिस्तौल, हथियार छोड़कर भागे बदमाश। इस वक्त मुल्क में आजादी की सालगिरह का जश्न मनाने की तैयारी पूरे शबाब पर है। हिफाजत में कोई कोताही न रह जाए, इस बात का खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। कदम कदम पर अमन के दुश्मनों की तलाश की जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली का आलम यह है कि यहां हर तरफ दिल्ली पुलिस के सिपाही नजर आ रहे हैं। दावा यही है कि राजधानी में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बंदोबस्त इस कदर तगड़ा किया गया है। उसी बंदोबस्त के बीच देश की सबसे बड़ी और महफूज जगह संसद भवन से महज 2 किलोमीटर दूर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के पास दिन दहाड़े सैकड़ों जोड़ी निगाहों के सामने गोली चलने की वारदात से एक ही झटके में कई सवाल सिर तान कर खड़े हो गए। जब ये लोग बाहर एक ढाबे पर चाय पी रहे थे, उस वक्त इनके ऊपर एक आदमी ने पीछे से हमला किया जिसमें ये गिर गए। बाकी जो और तमाम चीज़ें हैं, इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, कंप्लेंट ली जा रही है, FIR रजिस्टर की जा रही है और जो भी इसमें लीगल एक्शन बनता है वो इंश्योर किया जाए। ये जो सुरक्षा का सवाल है, निश्चित रूप पर दिल्ली के हर नागरिक की सुरक्षा का सवाल। आप पार्लियामेंट की बिल्डिंग्स को आप सुरक्षित नहीं रख सकते हैं तो कहाँ सुरक्षा है आपका? ये तमाम सवाल जिस हादसे के बाद उठे उसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन जवाब देने में कोई पीछे भी नहीं, फिर चाहे वो पुलिस के अफसर हो या फिर सियासत के सिपाही। कई तथ्य हैं जो अभी वेरीफाई कर रहे हैं। मौके से एक हथियार मिला है, उसकी कंडीशन चेक कराई जा रही है और जो भी वहां पर प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे भी बात की जा रही है, जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल है। इन तमाम लोगों से, उमर खालिद, उनके साथियों और जो आई विटनेसेस हैं उनसे मिलकर बात करके पूरी स्थिति को स्पष्ट किया जाएगा। खबरों का खुलासा यही है कि पार्लियामेंट से करीब 2 किलोमीटर दूर रफी मार्ग पर मौजूद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सोमवार की दोपहर अफरा तफरी मच गई। जब तक कोई कुछ समझ पाता, अंदाजे की आग को हवा देने और कयासों की क्यारी लगाने का सारा बंदोबस्त हो चुका था, क्योंकि बीच सड़क पर एक पिस्तौल पड़ी थी और कीचड़ में सने कपड़ों के साथ जेएनयू के छात्र नेता उमर खालिद बदहवासी की हालत में खड़े नजर आ रहे थे और उमर खालिद के समर्थक गुस्से में भड़के हुए थे। दावा यही कि कुछ बदमाशों ने जेएनयू के छात्र नेता उमर खालिद को निशाना बनाकर गोली चलाई और इत्तेफाक से गोली उनके करीब से निकल गई। यही वो जगह है जहां पर उमर खालिद जो है अपने दोस्त या फिर समर्थक कह सकते हैं उनके साथ यहां पर वो खड़ा था या चाय पी रहा था और उसके बाद जो शख्स बताया जा रहा है कि बाइक से आया पहुंचा और उसके बाद बंदूक सामने तान दिया उमर खालिद के सामने। वो शख्स इस साइड से आया है, यानी RBI के रास्ते की तरफ से आया है और यहाँ पर उसने बाइक पर सवार था, उसने बंदूक तान दी। ये और बात है
कि न तो किसी ने गोली चलते हुए देखा और न ही किसी ने हमलावर को देखा। अलबत्ता कुछ चश्मदीदों ने शोरगुल के बीच गोली की आवाज जरूर सुनी। जेएनयू में अपने भाषणों की वजह से उमर खालिद पर देशद्रोह का इल्जाम लगा था और उन्हें जवाहरलाल विश्वविद्यालय प्रशासन ने निलंबित भी कर दिया था। फिलहाल सवाल यही है कि आखिर उमर खालिद पर हमला करने वाला कौन था और उसकी खालिद से क्या दुश्मनी थी। पुलिस मौका वारदात का सारा जायजा लेकर हर एक पहलू से मामले को खंगाल रही है। 10 पिस्टल मैगजीन के साथ एक देसी कट्टा, एक एयरगन, 10 पिस्टल बैरल, इतना ही नहीं और भी ऐसे सामान जो अगर पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ते तो यकीन जानिए एक के बाद एक कई बड़े हादसे आजादी के जश्न के बीच हमारा इंतजार करते मिलते। ये सनसनीखेज खुलासा किया है महाराष्ट्र एटीएस ने, जिसकी छापेमारी में ऐसी ऐसी चीजें बरामद हुई जिसे देखकर पुलिस तक के होश उड़ गए, क्योंकि ये साजिश ही ऐसी थी कि महीनों तक किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी। आतंक ने बदली चौखट, नए दरवाजे पर दी दस्तक, दहशत का नया नश्तर, स्याह अंधेरे में खड़ी एक इमारत और इमारत को घेरे हुए पुलिस, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम की टोलियों की मौजूदगी साफ कर देती है कि अंधेरे में गुनाह की कालिख छिपी हुई है जिसका इरादा इंसानी बस्तियों को उजाड़ने का था। अब जरा यहां से जो बरामद हुआ उसकी लिस्ट भी सुन लीजिए, अंदाजा खुद ब खुद यकीन की शक्ल ले लेगा। 40 देसी बम, 2 जिलेटिन छड़े, 4 इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, 22 नॉन इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, सेफ्टी फ्यूज वायर, 2 पॉइजन की बोतल जिसमें मौजूद सस्पेक्टेड लिक्विड, 1 बॉक्स बैटरी जिसमें 6 वोल्ट की 10 बैटरियां थी, कटर और ब्लेड, शोल्डर मशीन, 3 स्विच, 3 पीबीसी सर्किट, 2 बैटरी कनेक्टर, 2 रिले स्विच, 8 रजिस्ट्रा नली, 6 ट्रांजिस्टर, हैंड ग्लव्स, हैंड बैंड, सर्किट पेपर। इस इमारत से निकले इन सामान ने आरोपियों के इरादों की चुगली कर दी। ये छापा महाराष्ट्र एटीएस ने मुंबई से सटे नाला सोपारा में एक मकान, एक दुकान और दूसरे ठिकानों पर मारा और वहां से मौत का सामान जब्त किया। खुलासा हुआ कि पकड़े गए लोग एक संगठन से ताल्लुक रखते हैं जिनका इरादा आने वाले त्योहारों से पहले मुंबई, नाला सोपारा, सोलापुर, पुणे और सतारा में धमाके करने का था। सूत्रों की माने तो पिछले 2 हफ्ते से यहां साजिश का ताना बाना रचा जा रहा था। पूछताछ करने के दौरान हमको एक इंफॉर्मेशन मिली कि इनमें से कुछ लोगों ने नाला सोपारा डिस्ट्रिक्ट पालघर में कुछ विस्फोटक सामग्री वहां पे छुपा के रखी है। उस आधार पर हमने वहां पे कुछ सर्चेस लिए, वहां पे हमको कुछ क्रूड बॉम्ब, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस मिले, वहां पे और भी कुछ सामग्री मिली वो हमने जब्त कर ली थी। एटीएस की गिरफ्त में आए वैभव राउत से जो जानकारी मिली उसका पीछा करते हुए शरद कलस्कर को भी गिरफ्तार किया गया और साथ ही नोटबुक में बम बनाने का तरीका और सर्किट का डायग्राम मिला है। हम कुछ लोगों के साथ में जरूर पूछताछ कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग टीम हमने बनाई है, उसमें साइबर एक्टिविटी और टेक्निकल जो एविडेंस जमा करने की बात है उसके ऊपर काम चल रहा है। एटीएस सूत्रों के मुताबिक वैभव राउत बीते 2 सालों से सोशल मीडिया से दूर था ताकि उसके मोमेंट और इरादों की भनक किसी को न लगे। वैभव और शरद से पूछताछ के बाद पुलिस ने सुगंधवा गोंगलेकर को पुणे से गिरफ्तार किया और तीनों को ही 18 अगस्त तक के लिए रिमांड पर ले लिया। बताया जा रहा है सुगंधवा गोंगलेकर जिस कंपनी का डायरेक्टर है वहां बिजनेस की आड़ में हथियारों की फैक्ट्री ऑपरेट करता है, क्योंकि एटीएस को उसके पुणे के प्लांट से 10 पिस्टल मैगजीन के साथ 1 देसी कट्टा, 1 एयरगन, 10 पिस्टल बैरल, 6 आधी तैयार की हुई पिस्टल बॉडी, 6 पिस्टल मैगजीन, 3 आधी अधूरी तैयार पिस्टल मैगजीन, 7 आधी अधूरी तैयार पिस्टल स्लाइड, 16 रिले स्विच, 6 कार के नंबर प्लेट, 1 ट्रिगर मैगजीन, 1 चॉपर, 1 चाकू,
16 IED डिवाइस ये सब मिला। पुना के परिसर में, पुना के एरिया में इसने और भी कुछ वेपन्स और कंट्री मेड वेपन्स और उसको बनाने की कुछ सामग्री वहाँ पे रखी है। वहाँ पे आज ATS ने वहाँ पे कुछ सर्चेस किए, वहाँ पे बड़े पैमाने पे कंट्री मेड पिस्टल्स और उसको बनाने की सामग्री और बहुत बड़े पैमाने पे लिटरेचर भी बरामद हुआ है। ATS के सूत्रों के मुताबिक पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले में अमोल काले को गिरफ्तार किया गया था और उसने भी ग्रुप में जिन लोगों का नाम लिया था उनमें भी वैभव, शरद और सुघनवा शामिल थे। हालांकि अभी उनका इन हत्याओं से तार नहीं जोड़ा जा सका है। फिलहाल दहशत के नए चेहरे शिकंजे में हैं, लेकिन अभी कुछ और छिपी शक्लें सामने आनी बाकी हैं। आइए अब जरा आपको इस साजिश में शामिल तीनों किरदारों से परिचय करवा देते हैं। ये शातिर लोग धर्म की आड़ में अधर्म का खेल खेलने की तैयारी में लगे हुए थे। अब तक की छानबीन से जो कुछ पता चला है उससे ये भी साबित होता है कि कई संदिग्ध ऐसे भी हैं जो भीमा कोरेगांव हिंसा में शामिल थे। आखिर इन्हें पकड़ा कैसे गया, ये अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है। जरा गौर से देखिएगा इन शातिरों की शातिराना हरकतों को। आरोपी नंबर एक वैभव राउत, उम्र 40 साल। आरोपी नंबर दो शरद कलस्कर, उम्र 25 साल। आरोपी नंबर तीन सुघनवा गोंगलेकर, पेशा कैट पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी का डायरेक्टर, पहचान भीमा कोरेगांव दलित हिंसा मामले में मुख्य आरोपी। बकौल ATS ये बिखरी हुई वो कड़ियां हैं जिनसे एक साजिश का ताना बाना जुड़ा हुआ है और इसका खुलासा इनके पास से बरामद सिम कार्ड से हुआ। कुछ अरसा पहले ATS को इत्तला मिली कि किसी बड़ी वारदात की साजिश की तैयारी चल रही है और 5 सिम कार्ड नंबरों को अगर पकड़ा जाए तो बात खुल सकती है। ATS ने उन 5 संदिग्ध सिम कार्ड को ट्रैक करना शुरू किया तो उन्हें लोकेशन अलग अलग ही नजर आई, लेकिन गौर किया गया तो पता चला कि ये सिम कार्ड लगातार महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में घूम रहे हैं। बारीकी से छानबीन शुरू हुई तो ये साफ हो गया कि सिम कार्ड्स जाली पहचान से लिए गए थे। हैरानी की बात ये थी कि ये सिम कार्ड्स महज कुछ मिनटों की बातचीत के लिए ऑन होते और फिर बंद हो जाते। लगातार ट्रैकिंग से ये पता चला कि सिम कार्ड्स मुंबई, पालघर, नालासोपारा, पुणे, सोलापुर और सतारा के बीच ही एक्टिवेट हो रहे हैं और उन्हीं संदिग्ध नंबरों में से 2 जब एक साथ एक्टिव हुए तो 10 अगस्त की रात ATS ने वैभव राउत और पुणे में सुघनवा गोंगलेकर के घर छापा मारा, जहां से भारी मात्रा में असलहा और बारूद मिला। ATS के पास अब 3 लोग थे और उनके मोबाइल, जिनमें वीडियो और संदेशों की शक्ल में कुछ ऐसी चीजें थी जो उनके खिलाफ गवाही दे रही थी। इसी बीच ATS को एक ऐसा वीडियो भी मिला जिस पर खासा बवाल हुआ था। हम कुछ लोगों के साथ में जरूर पूछताछ कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग टीम हमने बनाई है, उसमें साइबर एक्टिविटी और टेक्निकल जो एविडेंस जमा करने की बात है उसके ऊपर काम चल रहा है। बकौल ATS इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां मुमकिन है। ATS के सूत्रों के मुताबिक इस मामले में कई संदिग्ध ऐसे हैं जो भीमा कोरेगांव हिंसा में शामिल हुए थे और इनके निशाने पर था एक और त्योहार।